तो कैसे हो मेरे प्यारे इंसानों, आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा स्कॉलर और स्टाइपेंड कैसे बढ़ाया जाता है स्टेप बाय स्टेप पूल प्रोसेस पर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप बढ़ाओगे तो आपको खाली से 5 मिनट लगेगा स्कॉलर और स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए। सो मैं यहाँ आपको पूल डिटेल में बताने के लिए कोशिश करूँगा स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप के बारे में कैसे बढ़ाया जाता है। सो अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा तो, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेब पेज स्टेट स्कीम में दबाओगे तो आप इस तरह से दिखाई देगा अरुणाचल। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक ऑफ स्टाइपेंड का खुला हुआ है। तो अभी मैं स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप का वाला बताऊंगा, पोस्ट मैट्रिक का वाला फिलहाल प्री मैट्रिक खुला नहीं है। और स्टाइपेंड जो जो जब न्यू रजिस्टर करते तभी वो करते हैं। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में दबाइए, यहाँ आप नोटिस देख सकते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है वो सब लिखा हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं या फिर लिप करके नीचे में जाके इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू में दबाइए। कंटिन्यू में दबाने के बाद आप इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ आप अरुणाचल को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अरुणाचल को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। तो आप पोस्ट मैट्रिक में दबाइए क्योंकि आप 12 से ऊपर हो, तो पोस्ट मैट्रिक। तो यहाँ आप अपना नाम डालिए, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। और यहाँ आप चेक करोगे तो यहाँ दो टाइप का है, स्कॉलरशिप स्कीम और इंसेंटिव स्कीम। तो इंसेंटिव स्कीम जो कंपनी का द्वारा से होते हैं, कभी कभी कंपनी देते हैं। तो यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, मैं डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ। तो हो गया, अब यहाँ पर जेंडर चेक कीजिए, जेंडर मेल, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल चेक डालिए। और ये है आप यहाँ पर फ़ोन नंबर अपना डालिए जो प्रेजेंट में है। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस, सो यहाँ आप अपना बैंक का IFSC कोड डालिए जो पासबुक में दिया हुआ है। तो आप मालूम नहीं है तो देख के लिख लीजिए, मुझे याद है तो मैं लिख लेता हूँ। लिखने का था यहाँ पर वापस कंफर्म बाउस डालिए, यहाँ पर कंफर्म कीजिए। तो यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए जो पासबुक पर है, मुझे याद है तो मैं खुद डाल लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद ब खुद आ चुका है। और यहाँ आप आइडेंटिफिकेशन आप वो डालिए आधार कार्ड में, तो यहाँ आप अपना आधार कार्ड को डालिए। तो मैं अपना आधार कार्ड डाल लेता हूँ। और यहाँ आप अपना कैप्चा को फिलअप कीजिए, तो यहाँ क्लिक कीजिए, इसका तो रजिस्टर में दबाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी मिल चुका है मुझे, तो ये है मेरा आईडी, एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ आप इसको लिख के रख लीजिए,
कहीं नोट पर, क्योंकि बाद में ये काम आएगा। इस आप इसको लिख लीजिए, आपका मिला है तो मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ। कॉपी नहीं हो रहा है तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये और इसके बाद कंटिन्यू दबाइए। कंटिन्यू को दबाने का तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ आप वो वाला जो लिखा हुआ है तो उसको लिख कर आप यहाँ पर पासपोर्ट आपका वहाँ पर आएगा। तो आप अपना वो में चेक कीजिए, तो मेरा यहाँ आया हुआ है तो मैं लिख लेता हूँ। सो पासपोर्ट वो मोबाइल में आया हुआ है तो मैं लिख लेता हूँ। अभी कैप्चा पासपोर्ट रॉन्ग हो रहा है तो मैं ध्यान से लगा लेता। हम फिर से कैप्चा फिलअप करते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ लॉगिन में दबाइए। आप देख सकते हैं आपके फोन में 5 डिजिट का ओटीपी गया है, तो वह देख लीजिए पूरा लेटर में होगा। तो यहाँ पर मैं भर लेता हूँ। भरने का आप कंफर्म कीजिए ओटीपी। कंफर्म ओटीपी करने का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नया पासपोर्ट डालने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है कि शुड बी एट करेक्टर एटलीस्ट ए बी। देखिए यहाँ पर सब दिया गया, स्पेशल करेक्टर यहाँ पर पूरा एग्जांपल के साथ दिया गया है। तो ये सबको मिलाकर आपको एट करेक्टर होना है। तो मैं यहाँ अपना बना लेता हूँ पासपोर्ट। याद रखना आपका ए बी चौथा सब मिक्स होना है, नंबर भी होना है और स्पेशल करेक्टर भी होना है। तो इसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने का तो आप देख सकते हैं ये है मेरा फॉर्म फिलअप करने वाला, तो मेरा आ चुका है देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरा आधार कार्ड वेरीफाई है, बाकी सब नो है क्योंकि ये लोग अभी तक वेरीफाई किया नहीं है। तो आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नया आया है लिंक डिजी लॉकर। तो आप यहाँ पर दबाओगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट का वो है, एप्स है जो अप्रूव हुआ है, तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसको लीक कीजिए। यस, तो आपको ये वापस लॉगिन करने के लिए कहेगा शायद। हाँ, रे से लॉगिन करने का तो आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं जो हम लोग दिया था शुरू में रजिस्टर करते समय में। तो यहाँ आप देख सकते हैं गर्ल सिंगल चाइल्ड। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो रिलीजन में आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आदर्श करता हूँ क्योंकि धोनी है, धोनी पोल यहाँ पर नहीं है। तो और यहाँ कम्युनिटी और कैटेगरी में आप एसटी चूज़ कीजिए, एसटी चूज़ कीजिए अगर आप एसटी है तो। अगर ओबीसी है तो ओबीसी चूज़ कीजिए, जनरल तो जनरल चूज़ कीजिए। मैं एसटी हूँ सिंगल तरफ का। तो यहाँ आप अपना पिता का नाम रख लीजिए, यहाँ पर अपना पिता का नाम दे दीजिए और यहाँ मादर नेम। यहाँ एनुअल इनकम रखिए ईयरली का। और यहाँ पर आप
2 लाख से ऊपर ना बनाइए, क्योंकि वहाँ आपको एलिजिबल नहीं होगा, ऑलरेडी वहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ आपको कीजिए, अगर आप यहाँ पर डेस्कुलर है तो डेस्कुलर चूज़ कीजिए, अगर हॉस्टलर है तो हॉस्टलर चूज़ कीजिए। मैं डेस्कुलर चूज़ करता हूँ, फिलहाल में पढ़ता तो हूँ नहीं। तो यहाँ आप और कीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन इंटर एसिटी। यहाँ पर कोड होता है, यार कॉलेज स्कूल में एक कोड दिया जाता है, रजिस्टर कोड दिया जाता है। तो अगर वो कोड आपको पता है तो आप वो कोड डाल के यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं वो कॉलेज हो या स्कूल। और अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, अरुणाचल में जाइए और यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। तो फिलहाल मैं पप्पू पारे करता हूँ, क्योंकि एक पप्पू पारे में जो जो है वो सबके लिए, चाहे तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए। मैं पप्पू पारे चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आप गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट में करने का होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सारा स्कूल्स कॉलेजेस हर चीज़ यहाँ पर पप्पू पारे में जितना भी रजिस्टर किया गया है तो वो हर चीज़ यहाँ पर दिखाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आपको तकलीफ होगा, सो आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर सर्च कीजिए। फिलहाल मैं देहरा नौतम का कॉलेज का सर्च करता हूँ, देहरा नौतम देहरा। तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, टिक करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। तो आपका वो सेलेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर अभी एडमिशन इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपको एडमिशन करते समय में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है तो आप डालिए, अगर एनरोलमेंट नंबर देता है तो डालिए। अगर आप एडमिशन अगर आपको कुछ भी पता नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर सब ईयरली डाल दीजिए, मान कि आप कौन से ईयर में ओके है, जैसे कि 2022 यहाँ पर आप डाल दीजिए और एडमिशन यहाँ पर डाल दीजिए। अगर ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा ये जब एडमिशन करता है तो वहाँ पर दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं किया नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरा कॉलेज का नहीं हूँ और मैं अभी पढ़ भी नहीं रहा हूँ। तो मैं बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई किया करते हैं। तो यहाँ पर आप एडमिशन ईयर को डाल दीजिए, अगर आपको रोल नंबर दिया जाएगा तो आप तो रोल नंबर वो कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, आपको बहुत सारा रोल नंबर दिया जाएगा, लंबा होगा आपका। और यहाँ पर आप सेक्शन डाल दीजिए, सेक्शन ए हो या बी हो या फिर आप डिपार्टमेंट का हो, तो डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं होगा तो आप सेक्शन डाल दीजिए, जो भी सेक्शन डाल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ते, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता सेक्शन में। और यहाँ पर आप कॉलेज कोर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा है, जैसे कि बैचलर हो आर्ट्स 3 ईयर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स, जो भी हो आप कर सकते हैं। बच्चे साइंस है तो साइंस कर सकते हैं, कॉमर्स तो कॉमर्स। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 साल का अलग कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 साल का हुआ। तो अभी प्रेजेंट ईयर आप कौन सा ईयर में, पार्स सेकेंड तक, आप सेकेंड पार्स में हो तो पार्स में कीजिए, सेकेंड में तो कीजिए। आप फिलहाल मैं न्यू रजिस्ट्रेशन हूँ तो पार्स ईयर। यहाँ पर आप ये है मोटो विस्तार, आप रेगुलर जाते हैं या रेगुलर जाते हैं क्रॉस पति, मतलब कि डिस्टेंस जो कभी कभार हो करते हैं और पार्ट टाइम जो कम वो करते हैं, मतलब पार्ट टाइम मतलब कि आप अपने हिसाब में वो करते हैं कम, क्या बोलेंगे, पार्ट टाइम आपको पता होगा। तो रेगुलर में हर रोज़ जाते हैं, तो पार्ट टाइम का हिसाब में मतलब कि आप कभी कभी जाते हो कभी कभी नहीं जाते, ऐसे टाइम अगर रेगुलर हमेशा जाते हो तो रेगुलर। यहाँ पर रेगुलर आप सर्च कीजिए और डालिए, सेलेक्ट कीजिए। और अब आपका यहाँ पर क्लास का विस्तार हुआ था वो डालिए, जैसे कि अगस्त को किया था तो अगस्त को कीजिए, जुलाई को किया था जुलाई को कीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। मैं अभी मुझे पता नहीं है कब होगी, तो आप यहाँ पर क्लास स्टार्ट का वो डेट को डालिए, कब स्टार्ट किया था। और यहाँ पर आप अभी प्रीवियस आप कौन सा 12th में कौन सा CBSE पास किया हो तो CBSE डालिए, CBSE का एस सी को आप सी सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल यहाँ पर दे सकते हैं, सेंट्रल यहाँ पर CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी यहाँ पर आप डालिए। यहाँ पर आप 10 में था तो 10 में कीजिए, फिलहाल एक अभी 12th पास है तो 12th का कीजिए। कब पास किया है 2022 इस वर्ष, परसेंटेज आपका कितना है 12th का
सुनता था। मैं जाता जा रहा हूँ। अगर आप रैंक होल्डर है, अगर आपको कुछ रैंक मिला है, पास है, आप पी एस के जेनके जी, आप यहाँ पर अभी क्लास 10 का रोल नंबर डालिए। मैं रोल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंडेटरी है क्लास 10 का। क्लास 10 का वाला जो मैंडेटरी है उसको जैसे भी आपको करना है तो मेरे पास है यहाँ पर 0 3 6। यहाँ पर आप आवाज कंपन कीजिए। यहाँ पर आप CBSE था तो सी सेंट्रल सेंट्रल बोर्ड यहाँ पर सेंड कीजिए। पासिंग ईयर 2019 में तो अभी 50%। अभी आप यहाँ पर आपका 12 का वो डालिए। मैं 12 पढ़ा नहीं हूँ, मैं सीधा 10 से डिप्लोमा किया हूँ। तो अब यहाँ पर 12 का और डालिए जैसे क्लास 10 का किया था, तो अब यहाँ पर कीजिए। और यहाँ पर और एक है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई, मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया NMMS। ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जो स्कॉलरशिप के लिए होता है, जो 9th से लेकर 12th तक के लिए होता है ये जो। अगर आप उसको पास किया गया है तो आपका यहाँ पर आप कीजिए, अगर नहीं किया है तो वो कीजिए। अगर यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा दिया गया, तो आप अगर किया है तो कीजिए, अगर नहीं है तो इसको काली छोड़िए। और पेन अदर दीजर्स में यहाँ पर गार्डन नाम रख दीजिए, जैसे कि माता पिता का नाम जो डाल दीजिए, डिसेबल ना कीजिए, टाइप हो दीजिए, कुछ भी मत रखिए, या कुछ छोड़ दीजिए। और मार्शल स्टेटस में तो यहाँ पर आप अगर मेरिट है तो मेरिट कीजिए, अनमेरिट है अनमेरिट कीजिए। विधो मतलब कि शादी शुदा मतलब कि डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स अनमेरिट रखिए। और यहाँ पर पेरेंट्स प्रोफेशन, आपका पेरेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर वो कीजिए। अगर आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर सीधा आदर्श में कीजिए। अगर आपका यहाँ पर लिस्ट है आपका पापा क्या करता है तो आप यहाँ पर उससे वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आदर्श में कर सकते। बाकी सबका आपका हो गया, जैसे कि फिलिंग IFSC कोड हो चुका है, बैंक डिटेल हो चुका है, और ये जगह में आपका एनी ऑफ पेरेंट्स नॉट अलाइव, अगर कुछ भी है वो द्वारा है, मतलब कि COVID-19 का वजह से आपका पेरेंट्स मर चुका है कुछ हुआ, तो आप वो कर सकते हैं। और आप अगर आप अनाथ है तो कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, वो आपका ऊपर में है, अगर नहीं तो इसके बाद आप सेफ एंड कंटिन्यू कीजिए। अगर आप सेफ एंड कंटिन्यू में जाएंगे तो यहाँ आप दिखा सकते हैं, तो अभी यहाँ पर आपका वो आता है सो मेन बोला जा अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, करा दादी मेरा करा दादी। आप यहाँ पर अभी वो कर सकते हैं स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप को टिक कीजिए, स्कॉलरशिप को टिक कीजिए। रुकिए ऐसे लिखिए और मैं लेती रूरल अर्बन अर्बन शहरी रूलर में है तो रूलर नहीं अर्बन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड दीजिए अपना, पलन का पिन कोड जो भी है पलन का पिन कोड दे दीजिए यहाँ पर 7 9। अगर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट का है तो उसका पिन कोड दीजिए, या फिर हाउस नंबर डाल सकते हैं। मैं फॉलो कर देता हूँ। तो मेरा दोनों फॉलो उसको। अगर आप स्टाइपेंड बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप स्टाइपेंड बढ़ाना चाहते हैं तो स्टाइपेंड को क्लिक कीजिए, और स्कॉलरशिप वो कराना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप वो बनवाएँ, ये आपका ऊपर में। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, तो मैं स्कॉलरशिप को कर लेता हूँ। तो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का जो अलग अलग होते हैं, तो
स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का ये क्या था डॉक्यूमेंट अपलोड जो अलग अलग होते हैं, तो स्टाइपेंड का आप देख सकते हैं, आप स्टाइपेंड का देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम है। आपका पासबुक नंबर है अकाउंट का, इसके बाद मार्क्सिट क्लास एग्जाम STPRC एडमिशन PEC और बोन अपॉइंट मंगा, वो स्टाइपेंड मंगा, स्टाइपेंड नहीं मंगा। और अम्ब्रेला में देखिए तो जो स्कॉलरशिप में देखा जाए तो यहाँ बहुत ही सारा है, लेकिन इतना सारा और नहीं चाहिए, क्योंकि एक 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 जो पुराने भरा सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रॉमिस टू थे, जैसे कि हॉस्टल, आप यहाँ पर बोनापाइट का डाल सकते हैं, बोनापाइट का। और यहाँ पर स्टूडेंट फोटोग्राफ, आप अपना फोटोग्राफ डाल सकते हैं, पासपोर्ट, इनकम सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, पी रिसिप्ट आपको डालना पड़ेगा, पासबुक आपको डालना पड़ेगा, इसका फिर से स्टडी सर्टिफिकेट इशू का ये वापस आपका बोनापाइट हो जाएगा, आपका बोनापाइट, यहाँ पर आपका बोनापाइट चाहिए। तो स्कैन मार्क्स से क्लास एग्जाम जो आपका स्टेप का एग्ज़ाम दिए गए हो तो उसको डालिए आप, जो फिर स्टेट और अरुणाचल प्रदेश स्टेट पेयर से ST का डालिए, आपका पास होगा, जरूर होगा। और गैप ईयर, अगर आप जो गैपिंग किया गया है तो गैपिंग सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा कई ऑफिस से, मुझे पता नहीं है कहाँ से लेते हैं, लेकिन आपको लेना पड़ेगा गैप ईयर का। अगर नहीं है तो इसको डायरेक्टली छोड़ दीजिए, इसका बोना पड़ेगा आपको यहाँ पर, इसको कॉलेज के स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, इसका आप सबमिट कर सकते हो फाइनल समय। फाइनल समय के बाद आप आपको एक PDF मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक वो कर लेता हूँ, अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PDF JPG फाइल टाइप ऑफ मैक्स 200 KB, 200 KB से आपका कम होना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा यहाँ पर PDF या फिर JPG। PDF या फिर पिक्चर आपको डालना पड़ेगा, लोग साइबर में जाने से वो लोग बोलते हैं स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन जो एक्चुअली आपका ये जो KB है, MB होता है फाइल का, उसको स्कैन किया जाता है, बिकॉज इसका अगर आप वो करेगा उससे ज़्यादा 200 KB से ऊपर डालेगा तो आपका ये जो अपलोड नहीं होगा। तो ये सब करते हैं, तो यहाँ पर आप प्लेस ऑफ इशू, यहाँ पर आप का आप ईटानगर जो भी दे सकते हैं, इशू बाय कौन दिया गया ये लगता, लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू, यहाँ पर आपको देना पड़ता है, देना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा आपको, डेट ऑफ इशू कब वो सर्टिफिकेट दिए उसको डालना पड़ेगा। सब में आपको ऐसे ही होगा, फोटोग्राफ, आप फोटोग्राफ में अब अपना कब खींचे, आज डाल रहे तो आज का वो कर सकते हैं फोटोग्राफ। इनकम सर्टिफिकेट आप कब बनाए उसका डेट को देना पड़ेगा, प्लेस का सके यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पूरा चीज़ अपलोड करने के बाद, फाइनल में सबमिट करने के बाद आपका कॉलेज में आपका वेरीफाई किया जाएगा, कॉलेज में वहाँ पर स्कैन, वहाँ पर आपका मेन स्कैन होगा कि आप सही से फिलअप किए कि नहीं। अगर वहाँ पर कुछ भी आपका गलती है तो आपका फ़ोन नंबर में आपको ज़रूर आपको मैसेज करेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलती, तब आप जल्दी से जल्दी उसको करेक्ट कीजिए, वरना डेट अगर निकल जाएगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।